Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी Agilus Diagnostics. खुद को टेस्ट करते रहो. महाराष्ट्र में अलायंस को लेकर आप लोग आखिरी पड़ाव पर हैं. अखिलेश यादव से सुबह जब पूछा गया कि महाराष्ट्र में अलायंस, उन्होंने कहा कि वो हमारी स्टेट लीडरशिप डिसाइड. उन्होंने ये भी कहा कि यदि हम अलायंस में नहीं हमको रखा जाता तो हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन वहां उतारेंगे जहां पर अलायंस को नुकसान ना हो. और हम सब जितने भी इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स हैं, देश में कहीं भी चुनाव हो रहा हो, हम कोशिश यही करते हैं कि हम एक दूसरे के और इंडिया गठबंधन के हाथ मजबूत करें. सर, कब तक हम ये उम्मीद करें कि महाराष्ट्र के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब कुछ तो ठीक है, उसमें कोई उम्मीद की क्या बात है, सब कुछ ठीक ही है. लगातार आप लोगों की मीटिंगें चल रही हैं. मीटिंग्स तो होती हैं, मीटिंग्स नहीं होंगे तो फिर निर्णय कैसे होंगे? सचिन सावंत भी नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे जहां, उन्होंने अपनी बात रखी है पार्टी के सामने, पार्टी उस बात को सुनकर जो भी निर्णय लेगी पार्टी लेगी. अरविंद केजरीवाल ने कहकर विकास पूरी गया, वहां मुझ पर हमला किया गया, ये मेरे कामों को रोकना चाहते हैं. अब देखिए, ये जो भी हो रहा है दिल्ली में, ये देखकर दिल्ली के लोगों को नहीं समझ में आता कि उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी. उनकी शिकायतें, उनकी दिक्कतें, उनकी तकलीफों पे किसी का ध्यान क्यों नहीं? वो सब याद करते हैं आज से 10 साल पहले की दिल्ली, कैसे 15 साल में शीला दीक्षित जी ने, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की तकदीर बदल दी थी, और फिर से दिल्ली वही 98 से पहले की स्थिति में आ रहा हो, ये देखकर हर दिल्ली वाले को बड़ी पीड़ा होती. सर, किसान लगातार पंजाब में, कल किसान बैठे, रमनीत सिंह मिट्टू कह रहे हैं कि ये सब कुछ पंजाब सरकार करा रही है. उधर किसान कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री हमसे मिलने तक का वक्त नहीं है. भाई देखिए, रमनीत सिंह मिट्टू जी जानते हैं ये बात कि धान की खरीद को लेकर तो पंजाब का किसान पंजाब की ही सरकार के खिलाफ भी आंदोलन कर रहा है. तो ऐसी बातें करने से पहले उनको थोड़ी न्यूज़पेपर्स पढ़ लें पंजाब के. सर, कल आपने एक वीडियो जारी क्यों के अंदर आपने मालवीय बूथ को लेकर कई इससे पहले भी सीरीज बाय सीरीज बताते रहे हैं कि किस तरीके से घोटाले. देखिए, राहुल जी का ये मानना था और हम उनसे सहमत हैं कि एक नए तरीके से कम्युनिकेशन को लोगों के सामने लाया जाए, डिपार्टमेंट की पारदर्शिता भी लोगों को दिखनी चाहिए, हम कैसे काम कर रहे हैं वो भी लोगों को मालूम पड़ना चाहिए, और एक माध्यम बदलना चाहिए, तरीका बदलना चाहिए. और मुझे लगता है लोगों को ये बहुत पसंद आया तरीका जो राहुल जी और मेरे बीच का संवाद माधवी बुच मामले को लेकर लोगों ने देखा, उसको बड़ा सराहना भी मिल रही.